नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज सितंबर की 11 तारीख की अभी इस टाइम सुबह है और मैं अपने भाई बहनों को जो नई नई गार्डनिंग सीख रहे हैं, तो पुदीना कैसे लगाना है बहुत ही आसान तरीके से, आप 5 दिन में पुदीना कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 सितंबर को लगाया था दोपहर के टाइम और आज 11 की सुबह है, तो ये देखिए कितना अच्छा है। तो मैं 5 दिन के बाद जब मैंने इसमें देखा था तो खूब अच्छी रूट्स इस पे बन गई थी, तो बहुत ही इजी तरीके से कैसे लगाना है। तो मैं इसकी अभी रूट्स भी उखाड़ के दिखाती हूँ ज़रा, एक कितनी बन गई हैं। तो ये नहीं पता मेरे से ठीक से उखड़ेगी कि नहीं, तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये रूट्स, ये बारीक बारीक रूट्स इसकी जो ये है ये बन चुकी हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये सारे ये इस तरह से बन गई हैं। तो ये इतनी जल्दी ग्रो हो जाता है ये कि आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसको बड़ा लंबा टाइम लगेगा या कैसे करना है। तो ये 10 दिन का देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया और ये न्यू ग्रोथ भी ये स्टार्ट हो गई है, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये न्यू ग्रोथ, ये निकल रही है और ये न्यू ग्रोथ निकल रही है। तो इतने दिनों से मैं इसे छत पे नहीं लेगी, इसको थोड़ी धूप की भी ज़रूरत होती है, हल्की धूप की ज़रूरत। तो मैंने क्या किया, ये जो एक पॉट, ये मेरे घर में हम जो चिड़ियों वगैरह को ऊपर छत पे पानी देते हैं तो इस तरह के हम एक्स्ट्रा पॉट भी रखते हैं, क्योंकि जब टूट जाते हैं तो फिर कई दिन जैसे बाज़ार में अगर नहीं जाना होता है तो घर में पड़े हों तो फिर पानी उसी में डाल देते हैं। तो ये एक दो मेरे पास एक्स्ट्रा पॉट पड़े हुए थे, इसमें मैंने, बल्कि मैंने इसमें होल भी नहीं किया है, तो बनाने के लिए सिर्फ ये रूट्स इसकी जम जाए उसके लिए मैंने इसमें, आपने जब लगाना है तो होल उसमें देना है किसी भी चीज़ में, जैसे आप बनाओ आप सीधे उसमें लगा दो, जिसमें जिस भी पॉट में आपको ग्रो करना है तो आप सीधे कुछ कटिंग लाइए और ग्रो करना है। तो मिट्टी कैसे पहले बनानी है, मिट्टी जो मैंने अपने गार्डन की आधी जो अपने गार्डन की मिट्टी रखी और एक दो मुट्ठी उसमें मैंने रेत मिलाई और बाकी जो उसमें मैंने गोबर की सड़ी गली खाद का इस्तेमाल किया। तो मैं इसमें उसका कोकोपीट का इस्तेमाल करना चाहती थी तो इस टाइम अभी मेरे पास थी नहीं तो मैंने उसका किया नहीं। तो कोकोपीट का कई भाई बहन उसके कोकोपीट के भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हैं, और जैसे एक पॉट में मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे, हालांकि मैं लेट हो गई हूँ, मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ बीज मैंने करेले के लगाए, तो 3 बीज लगाए थे मैंने, उसमें आधा हिस्सा मैंने जैसे अपने गार्डन की, एक हिस्सा जैसे गार्डन की मिट्टी भरी मैंने और एक हिस्सा मैंने कोकोपीट डाली और एक हिस्सा मैंने उसमें गोबर की खाद डाली। तो करेले की बेल इतनी जल्दी उनमें ग्रोथ हुई, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। तो पंजाब से मेरी किसी बहन ने कहा है कि अगर कोकोपीट नहीं मिलता है तो हमारे यहाँ भी कोकोपीट नहीं मिल रहा, तो उसकी जगह उन्होंने जो चावल का होता है ना, धान होते हैं जो धान के बाहर का छिलका हस्क होता है जो उसका, तो जिसे हम पंजाबी और उर्दू में फक कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोकोपीट की जगह फक का इस्तेमाल किया, तो इतने बढ़िया रिजल्ट रहे हैं। मैंने उसमें कुछ कटिंग्स लगाई हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और मैंने उसमें टमाटर के कुछ पौधे ग्रो किए हैं मिक्स करके मिट्टी में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। तो खैर ये उनका एक्सपेरिमेंट रहा, तो मेरे यहाँ तो बारिशें जैसे होती नहीं हैं और चावल वगैरह तो आपको पता ही है कि धान वगैरह के लिए उनको खूब पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मेरे यहाँ धान की खेती कम ही होती है, और मैं भी फिर कहीं से करूँगी, ट्राई करूँगी कि अगर मुझे फक मिल जाए तो उसका एक्सपेरिमेंट भी मैं करके देखूँगी। तो मेरे जिन भाई बहनों के यहाँ जहाँ चावल खूब होता है और उन्होंने कहा कि फक जो है हमारे इतना सस्ता मिलता है वहाँ पे, ऐसे मशीन में चावल होता है ना साफ़ होता है, तो
ढेर लगा रहता है वहाँ पे, तो खूब सस्ते में मिल जाता है, तो आप कितना मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। तो मेरे बहन भाई जो जैसे जिनके जहाँ कोकोपीट नहीं मिलता है, नहीं होता है, जरूर नहीं कि हर एक चीज़ जो हर जगह में मिल जाए, तो वो कोकोपीट की जगह फिर उसका फक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने मिट्टी में, तो मैंने तो बस सिर्फ ये दो ही चीज़ें मिलाई, क्योंकि तीसरी चीज़ मेरे पास थी ही नहीं, बस दो मुट्ठी, दो तीन मुट्ठी रेत की और एक हिस्सा मैंने अपने गार्डन की मिट्टी और बीच में बाकी ये उसका गोबर की खाद मिलाई। और फिर इस तरह से कुछ ये जैसे कटिंग थी, ये इसकी कटिंग मैंने यहाँ से कर दी है। तो ये जैसे लंबी, चाहे आप बाजार से एक गुत्थी आ जाती है 5 रुपए की, वो ले आओ, तो ये ऊपर से बस ऐसे तोड़ लो, ऐसे ये पिंच कर लो, ये इतने कर लो, ये ऐसे इस तरह से कर लो, ये कर लिया आपने, तो ये भी हम लगा देंगे। तो मैंने तो इसकी पत्तियां भी नहीं हटाई, तो ये देख पा रहे हैं आप, ये नीचे नीचे की पत्तियां, ये हल्की सी ब्राउन हो गई हैं, ये कहीं कहीं ये हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। तो अब इसको धूप भी नहीं लगी है, इतने दिनों से ये नीचे पड़ा हुआ था। तो मैं 5 दिन के बाद वीडियो बनाना चाहती थी, बट फिर मैं टाइम ही नहीं निकाल पाई, मैं दूसरे वीडियो में बिजी हो गई। तो इस तरह से जैसे मैंने कटिंग कर ली है, ये कटिंग कर ली है मैंने, ये ऐसे बस ऊपर से ये कर लेनी है कटिंग। और मिट्टी को आपने पहले मॉइस्ट कर देना है, मिट्टी को पहले करना आपने मॉइस्ट। तो इसमें मैंने ड्रेनेज होल नहीं दे रखा हो, आपने देना है, क्योंकि मेरे पास, मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया था। और चाहे तो अब मैं इसको निकाल के कहीं और ट्रांसप्लांट इनको निकाल के कर सकती हूँ, और इसको पोर्ट को मैं अब खाली कर दूंगी, जहाँ कुछ दिन इसी में पड़ा रहने दूंगी, जैसे मेरे पास टाइम लगेगा। तो बस ऐसे मिट्टी को आपने अच्छे से, क्योंकि ये पहले से गिल्ली पड़ी है, इसमें होल भी नहीं है, तो मैं फिर ज़्यादा इसको गिल्ला नहीं करूँगी, तो ज़्यादा गिल्ला करूँगी तो फिर इसकी रूट्स खराब होने का डर बना रहेगा। तो ये सिंपल, ये मिट्टी में ऐसे होल किया और ये कटिंग लगा दी। मिट्टी को अपने मॉइस्ट मतलब कर लेना है, ताकि उससे ये बस नीचे की, आप ये बस ऐसे उतार लो जरा से, ये नीचे की उतार लो आप, और ये इस तरह से, और इसको पत्ती लगी रहने देनी है आपने, मिट्टी से अच्छे से दबा दो, ये दबा दिया। तो मैंने ये देखो, ये कटिंग जो है ये सब मैंने ऐसे चलने दी, तो इसलिए ये वहीं से इसकी न्यू 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 ग्रोथ आगे होगी। तो ऊपर से मैंने ये कुछ भी नहीं तोड़ा, ये बस ऐसे ही, ये नीचे से ये दो पत्ती तोड़ो और ये होल करना है आपको, और इस तरह से इसको ये दबा देना है, और अच्छे से ये ऐसे मिट्टी को दबा देना है, ताकि एयर ना रहे हमारे इसमें, एयर पॉकेट्स ना बने, ये ऐसे इस तरह से। तो उसके बाद अब आप समझ गए होंगे कि सारी कटिंग्स ऐसे लगानी है, ये दो पत्ती ये नीचे की निकाल देना, ताकि ये स्टेम का इतना सा हिस्सा जो नीचे दब जाए, और इसी में ही फिर आप 5 दिन के बाद निकाल के देखना। और मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसको बीच में पानी देने की, हो सकता जो रूट्स हैं इसके वो चौथे दिन बन गई हो, मैंने तो सिर्फ 5वें दिन देखी थी, तो 5वें दिन वो बन चुकी थी। और उसके बाद क्या करना है आपने, आपने मिट्टी में पानी पहले दे लेना है, और ये इसकी पत्तियों के ऊपर जब ये आप लगा लोगे, तो इसकी पत्तियों के ऊपर पानी मत छिड़कना, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है कि बहुत जल्दी जो कंबल कीड़े होते हैं ना काले, वो अटैक कर देते हैं, पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद फिर हमने ये ऐसे पॉलीथीन बैग एक ले लेना, कोई सा भी, ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें एक साइड पे मैंने इसमें, अच्छा इसमें नहीं, मैंने होल बनाया था, इस वाले पॉली बैग में मैंने होल नहीं बनाया था, नहीं नहीं बनाया तो था मैंने वैसे, ये मेरे को दिख ही नहीं रहा, मैंने कहा बनाया तो था मैंने, ये ज़्यादा मॉइस्चर अगर हमारा इसमें पोट में रहे तो इससे बाहर आ जाए। तो अब तो ये मेरा पुदीना बड़ा हो गया है। और फिर उसके बाद जो कटिंग आप लगाओगे, थोड़ी थोड़ी जगह में लगा देना, ताकि आपका पोट भर जाए। और ये तो बहुत सारी कटिंग है, और इसमें से अगर आप निकालना चाहें तो कुछ निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और फिर ये पूरा इसको ये ऐसे मैंने कवर कर दिया था। तो मैं, मुझे लगा कि मैं तो हर एक पॉली बैग में जैसे होल बनाती हूँ ज़्यादा उसके लिए, तो मुझे अभी वो दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता भाई, बस ऐसे ये आपने
इसको कवर कर देना है, और आप 5 दिन के बाद देखना, इसको फिर आपने छाया में रखना है। तो अगर आपके पास वो कोकोपीट वगैरह ये सब है तो वो आप मिक्स कर लें, आधी कोकोपीट मिला लें, या ऐसा करें आप अच्छी बढ़िया मिट्टी जो मैंने बनाई है देखी है, एक हिस्सा आप अपनी गार्डन की मिट्टी ले लें, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा गोबर की सड़ी गली खाद, वो तीनों मिक्स करके सीधे गमले में बना लें और ऐसे पॉलीथीन बैग चढ़ा दें, तो फिर आपको ट्रांसप्लांट करने का चक्कर नहीं रहेगा और पूरा का पूरा आपका भरा रहेगा। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन नए नए सीख रहे हैं गार्डनिंग, तो वो बाज़ार से भी पुदीना ला सकते हैं, और या फिर आसपास उनके पड़ोस में है तो उनसे भी ले सकते हैं। इससे बड़ी कटिंग भी लग जाएगी। आप सारी तरह की लगा के देखिए, थोड़ी बड़ी भी लगा लीजिए और छोटी भी लगा लीजिए, इससे बड़ी भी आप लगा लीजिए, इस तरह से बस ये करना है आपने। और अब जो मेरी जो कटिंग ये जैसे बड़ी हो गई है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, ज़्यादा अच्छी बुशी ग्रोथ के लिए अब इसको ऊपर से मैं पिंच कर दूँगी, ताकि इसमें और ये जैसे बता रही हूँ मैं, इन पर मैं ऐसे करूँगी, ये यहाँ से ये पिंच कर दूँगी, ताकि ये खूब ऐसे घना घना और इसमें ब्रांचेज आए। ये जैसे अभी तो ये छाया में भी पड़ा हुआ है, तो अभी जब आपने लगाना है तो आपने इसको छाया में ही रखना है, और जब इसके 5 दिन में रूट्स जब आप देखोगे बन गई होंगी तो फिर आपने पोली बैग इसका हटा देना है। तो मैंने ये पिंचिंग कर दी, और इसके बाद ये क्या है, ये खूब अच्छा ज़्यादा घना हो जाएगा। ये यहीं से जैसे एक निकाला है तो ये दो दो ब्रांचेस निकलेंगी, ये खूब घना हो जाएगा, ऐसे करना है आपने। तो जब आपका ये चलना स्टार्ट हो जाए, आपको लगे कि आपका पुदीना चलना स्टार्ट हो गया, तो इस तरह से करना है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं वो इस तरह से लगा लें, और 5 दिन पॉलीथीन बैग से आपने ढक के रखना है, और फिर हल्के से निकाल के रूट्स देख लें, या 6-7 दिन देख लें जो भी है, तो 6-7 दिन तक लिफाफा रहने दें, रूट्स हल्के से देख लें, और फिर जब अगर रूट्स बन गई और ये चलना स्टार्ट हो गई हो तो फिर ये निकाल देना है। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे बहन भाई, और कुछ पूछना चाहते होंगे तो पूछ सकते हैं, धन्यवाद।